टीवी में अगर आपने नागिन इतना अच्छा किया जी कि फैन फॉलोइंग भी काफी मिलियंस ऑफ जी रहे हैं, उसके बाद जब आपने बॉलीवुड किया तो वो भी लोग पसंद करते हैं, अपने फैंस को क्या कुछ कहना चाहेंगे? यही जो भी करती हैं आप, थैंक यू कहना चाहूँगी, बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी, क्योंकि आई हैव हैड आई थिंक द मोस्ट लॉयल सेट ऑफ फैंस फॉर एवर फ्रॉम द टाइम दैट आई हैव स्टार्टेड, एंड नो मैटर व्हाट उन लोगों ने हमेशा मेरा साथ दिया है बिना कुछ सोचे. कभी कभी मुझे ऐसे लगता है कि आज मेरा बेस्ट नहीं हो पाया है और इस सीन में मैंने अपना बेस्ट नहीं कर पाया है, और फिर भी वो लोग उस बात को सराहते हैं. दे ऑलवेज इफ़ आई एम एवर अनवेल और इफ़ आई एम, तो सारी जितनी पर्सनल चीज़ें प्रोफेशनल चीज़ें हैं उनमें उन्होंने हमेशा मेरा ख्याल रखा है, लाइक लिटरली यू नो. सो आई रीड ऑल द मैसेजेस दैट दे सेंट मी ऑन सोशल मीडिया, सो इट्स ओवरवेलमिंग एब्सोल्युटली. और मैं भी उन्हें उतना ही प्यार करती हूँ. आई थिंक इट्स ऑलवेज टू वेज, एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं उनको डिसअपॉइंट ना करूँ, और ऐसा ही सोचूँ कि आई एम अ बिगिनर एवरी डे. सो आई ट्राई टू लर्न मोर एंड आई ट्राई टू डू मोर एवरी डे विथ ऑल ऑनेस्टी, लाइक विथ ऑल माई हार्ट and soul. I really try to give my 100% every day at work, wherever I am. I'll call you soon. Haan, bilkul ready. Okay, ji, sabse pehle to congratulations. Thank you. Log ko pasand aa rahe ho, continue. Mujhe aisa lagta hai, feeling aa rahi hai. Aapne dekhi? Haan ji, bahut hi beautiful. Thank you. Mujhe aisa lagta hai, bahut hi lambe time tak logo ko pasand aane. Lekin usse pehle humne ek beautiful photo shoot dekha. To aap bataiye ki jab bhi photo shoot ki baat hoti hai, जी दिल में आता है विनाश जी, द फर्स्ट वर्ड, बिकॉज आई कैन एक्ट, आई कैन डांस इन मूवमेंट, सॉरी इन विद इन अ मूवमेंट आई एम गुड विद एक्सप्रेशंस, बट जैसे ही मुझे बोला जाता है ना कि आपको खड़े होकर एक्सप्रेशन देना है, तो मैं थोड़ी सी ऐसे हो जाती हूँ, तो मुझे एक घंटा लग जाता है टू ईज आउट एंड टू काइंड ऑफ काम डाउन एंड डू द शॉट्स प्रॉपरली. बट हैविंग सेड दैट आज विकी के साथ शूट किया हमने, विकी इदनानी, एंड ही वॉज काइंड इनफ टू डू एवरी थिंग लास्ट मिनट, एंड बहुत झटपट हमने एक कुछ काम आया, एंड देन वी हैड टू शूट क्विकली बिकॉज टुमारो से ऑल्सो अगेन आई स्टार्ट शूटिंग. सो ऑल थैंक्स टू हिम दैट दिस इज़ पॉसिबल. बहुत अच्छा रहा, हम लोगों ने बहुत जल्दी जल्दी काफ़ी सारे चेंजेस किए और डिफरेंट किए. जब पिक्चर्स आएंगे बाहर तो, और जिस चीज़ के लिए आएंगे तो फिर आपको पता चलेगा, बट इट वाज ऑल गुड थैंकफुली. जी पोज इंस्टाग्राम पे बहुत ही एक्टिव रहती है. हाँ, वो अपने फ़ोन पे ना अलग अलग लोकेशन पे जाके जब कोई आसपास नहीं होता तब बहुत सारे पोजेस हो जाते हैं, बट फेवरेट पोज दिस आप ऐसा मुझे बहुत बार देखोगे. जी सब मजाक भी उड़ाते हैं, झुमके भी दिखाने होंगे तो मैं ऐसे ही दिखाती हूँ. जी 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 क्या बताऊँ, अभी तो एक दिन का ही आया है, अभी वीकेंड हो जाने दीजिए ख़त्म, तब आई थिंक रियलिस्टिक एक वो आएगा, वर्जन आएगा दैट हाउ इट्स डूइंग. बट इफ़ यू आर आस्किंग अबाउट द फर्स्ट डे, इलेटेड, वेरी एक्साइटेड, वेरी हैप्पी, बट लाइक आई सेड अर्लियर, मुझे एकदम बहुत ज़्यादा खुशी होके जिंक्स करना अच्छा नहीं लगता चीज़ों को, तो एज एंड वेन इफ इट गोज ऑन टू बिकम सक्सेसफुल देन आई विल बी रियली रियली हैप्पी एंड थैंकफुल. जी यही थैंक यू कहना चाहूँगी, बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी, क्योंकि आई हैव हैड आई थिंक द मोस्ट लॉयल सेट ऑफ फैंस फॉर एवर फ्रॉम द टाइम दैट आई हैव स्टार्टेड, एंड नो मैटर व्हाट उन लोगों ने हमेशा मेरा साथ दिया है बिना कुछ सोचे. कभी कभी मुझे ऐसे लगता है कि आज मेरा बेस्ट नहीं हो पाया है और इस सीन में मैंने अपना बेस्ट नहीं कर पाया है, और फिर भी वो लोग उस बात को सराहते हैं. दे ऑलवेज इफ़ आई एम एवर अनवेल और इफ़ आई एम, तो सारी जितनी पर्सनल चीज़ें प्रोफेशनल चीज़ें हैं उनमें उन्होंने हमेशा मेरा ख्याल रखा है, लाइक लिटरली यू नो. सो आई रीड ऑल द मैसेजेस दैट दे सेंट मी ऑन सोशल मीडिया, सो इट्स ओवरवेलमिंग एब्सोल्युटली. और मैं भी उन्हें उतना ही प्यार करती हूँ. आई थिंक इट्स ऑलवेज टू वेज, एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं उनको डिसअपॉइंट ना करूँ, और ऐसा ही सोचूँ कि आई एम अ बिगिनर एवरी डे. सो आई ट्राई टू लर्न मोर एंड आई ट्राई टू डू मोर एवरी डे विथ ऑल माई ऑनेस्टी, लाइक विथ ऑल माई हार्ट
एंड सोल. आई रियली ट्राई टू गिव माई 100% एवरी डे एट वर्क वेर एवर आई एम. जी ओ मम्मी मम्मी अभी कल भी मुझे डांट रही थी और परसों भी मुझे डांट रही थी कि हाँ मैं घर का काम नहीं करती ज़्यादा. तो वो अभी फिलहाल आई हुई है तो वो मुझे बोल रही किचन में रहो एंड ये खाना बनाना सीखो. ऑफ कोर्स देख ली उन्होंने, पहली देख ली थी जब कास्ट और क्रू का ट्रायल हुआ था तभी देख ली थी उन्होंने. नहीं उस वक्त तो बहुत खुश थी पर उसको काफ़ी टाइम हो गया ना, अभी 10 दिन हो गए तो अभी वो भूल गई है. तो अभी उनको अभी अभी है कि अरे घरेलू 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 लड़की घरेलू बन जाए थोड़ी. जी मैं बहुत ग्रीडी हूँ काम को लेके. मैं ऐसे सोचती रहती हूँ ये 3 खत्म हो जाएंगे फिर मैं क्या करूँगी. हाँ आपके मुंह में घी शक्कर. वेल क्या कहूँ अब, मैं गई सारे ऑडिशंस के लिए गई हूँ और ये टाइमिंग ऐसी रही कि गोल्ड से रिलीज होने से पहले अनाउंसमेंट हो गया उनका. बट ये भी हो सकता था कि गोल्ड के रिलीज़ के बाद अनाउंसमेंट करे. हुआ ये था कि इन चारों चीज़ों के ऑडिशंस मैंने एक के बाद एक ही दिए थे. तो वो होता है ना कि आपकी इट्स ऑलवेज द यूनिटी ऑफ टाइम स्पेस एंड एक्शन. और उस तरह से सारे अगर इफ़ दे फॉल इन प्लेस देन वो एक के बाद एक अनाउंसमेंट आ गई एंड दैट्स अबाउट इट. बट सारा का सारा प्रोसेस सेम ही था. जी जी बहुत ज़्यादा अच्छा रहा. पहले तो मैं जाके सेट पे ऑ में ही रहती थी बिकॉज यू नो रणबीर आलिया व्हेन यू सी देम ऑन स्क्रीन दे आर फायर एंड सडनली यू हैव टू बी लाइक आई एम प्लेइंग द विलन इन द मेन विलन इन द फिल्म. सो आई हैड टू बी लाइक ऑल बैड एंड एवरीथिंग. तो मैं थोड़ा सा यू नो इट टेक्स यू अ डे और टू गेटिंग यूज टू द फैक्ट. बट देन दे आर ऑल्सो वेरी वेरी सपोर्टिव एंड वेरी हेल्पफुल. सो इट आई थिंक एवरीथिंग इज़ फॉलिंग इन टू प्लेस. वो तो तभी पता चलेगा जब मूवी रिलीज होगी. क्या फीलिंग होती जब इतने हर सारी चीजें पॉजिटिव में जा रही हैं? जी तो क्या कुछ एक होता है आपका? अच्छा लगता है आई गेस. बट जैसा कि पहले मैंने कहा मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड लड़की हूँ नहीं, मुझे बैलेंस स्ट्राइक करना अच्छा लगता है. तो मैं भगवान को छोटा सा थैंक यू भी बोलती हूँ और फिर आगे की सोचती हूँ और प्रेजेंट में जो करना है मुझे लाइक अभी मुझे ये इंटरव्यू देना है तो आई एम पेइंग फुल अटेंशन कि मैं ये इंटरव्यू ठीक से कर पाऊँ. सो दैट्स समथिंग दैट आई लाइक टू डू. आई लाइक टू लिव इन द प्रेजेंट. तो कोई ऐसा ड्रीम है कि हाँ इनके साथ में अगर मुझे काम करने का मौका मिले? बहुत सारे लोग हैं ऐसे बट मुझे मेरा एक ड्रीम रोल है. आई वॉन्ट टू प्ले a dancer in some film like a Indian classical dancer which or like I want to be a part of a Broadway show like Phantom of the Opera. तो ऐसा कुछ एक मेरा बहुत बहुत दिली ख्वाहिश है मेरी कि मैं वो और आई होप कि कभी वो सच हो. थैंक यू. जी Are you on the footstep of Shahrukh Khan? You know, in the very initial stage, he is the one who has taken this risk. I don't know how to answer that question, you know. I really don't know how to answer that question. I am playing the character that's given to me in this film. Thank you. Ek aakhri sawal tha ki hum sabhi ki taraf se kyunki aap latest mein kya banana seekh gayi hain kyunki aapki mamma khana anda curry एग करी या बहुत अच्छा आता है मुझे और मुझे वही एक ही वो खाना एग्स खाने बहुत अच्छा लगता है मुझे. सो दैट एंड आलू भाजा बेगुन भाजा ऑल्सो आई नो हाउ टू मेक बंगाली फूड. वेल आप लोगों को बहुत बड़ा सा थैंक यू कहना चाहूँगी. बिग टाइट हग एंड लॉट्स ऑफ किसेस. थैंक यू फॉर ऑलवेज शेयरिंग योर लव योर ब्लेसिंग्स एंड प्लीज कंटिन्यू टू डू सो एंड आई विल ट्राई एंड गिव यू माई बेस्ट As always, love you. Bye. विकी जी हमने देखा आपके स्टूडियो में ढेरों सारे लोगों के साथ में आपने प्रोड्यूस किया लेकिन जब ये ब्यूटीफुल इनके साथ में बताइए कि कैसा रहा एक्सपीरियंस. अब मैं मौनी के साथ पहले शूट कर चुका हूँ काफ़ी लेकिन अभी इनकी जो फिल्म है गोल्ड इतनी सारी धूम मचा रही है सबको इतनी पसंद आ रही है तो आई सेड देन इट जस्ट अबाउट टाइम दैट वी रीकनेक्ट एंड वी डू समथिंग
spectacular, all gold and stuff like that. That's exactly what she's wearing today. So yeah, let's. गोल्ड मैंने उसके सिर्फ रिव्यूज सुन रहा हूँ मैं, देखी नहीं अभी, खाली बोल रहे हैं कि बहुत अच्छे हैं, इतने रिव्यूज अच्छे हैं, बट मैं अभी इस वीकेंड पे पक्का जाके कैच करने वाला हूँ, और मैं चाहता हूँ आप सब जो देख रहे हैं वो भी जाके इस वीकेंड पे कैच करें जी। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि एटलीस्ट उन्होंने सुना, अच्छा वर्ड ऑफ माउथ, दैट मीन्स दैट पीपल आर एटलीस्ट टॉकिंग गुड अबाउट द फिल्म, सो जस्ट दैट यू फील ग्रेट टू बी अ पार्ट ऑफ सच अ प्रोजेक्ट दैट पीपल आर टॉकिंग सच गुड थिंग्स अबाउट। कैसा एक्सपीरियंस होता है जब भी आप मोदी जी के साथ में काम करते हैं? द थिंग विद हर इज ये इतना इवॉल्व होती है, मैंने इनको जैसे पहले 2-3 बार शूट किया है ऑल यू नो इससे पहले, तो मैं जब भी शूट करता हूँ ये हमेशा आते हैं एक स्टेप और इनकी प्रेपरेशन में, इनके पर्सनालिटी में, और इनके यू नो हम दोनों ना एक्चुअली बहुत सेम है, वी क्लैश अ लॉट, लाइक ही पुट्स हिज आइडियाज, आई पुट माय आइडियाज, देन वी ब्रेनस्टॉर्म, सो उसके चलते कुछ अच्छा निकल के आता है। इट्स नॉट दैट आई हैव इवॉल्वड और एनीथिंग, इट्स दैट ही इज सो गुड एंड ही पुट्स सो मच एफर्ट एंड सो मच ऑफ हिज माइंड इनटू एनी शूट दैट ही डज, दैट्स व्हाई इट कम्स आउट द वे दैट इट डज। हाँ मतलब इनके साथ जब हम आज भी प्लान कर रहे थे तो यू नो स्टार्ट जो हो रहा था, क्योंकि लास्ट मिनट पे हमने सारा शूट प्लान किया था, तो ऐसा लग रहा था कि यू नो इनका जो माइंडसेट है एक डायरेक्शन में है, मेरा माइंडसेट दूसरे डायरेक्शन में है, ये अपनी बात को लेके बहुत स्टबन है, मैं अपनी बात को लेके बहुत स्टबन हूँ, लेकिन हमने रियलाइज़ किया एक पॉइंट आया कि हम दोनों को जो पसंद आ रहा था वो दोनों को सेम ही पसंद चीज पसंद आ रही थी, सो देन या ऑन सिर्फ हमारे राउट्स जैसे उन्होंने बोला अलग अलग थे, लेकिन जब फर्स्ट चेंज हो गया और हमने दोनों ने रियलाइज किया कि हम दोनों को सेम ही चीज पसंद आ रही है, तो फिर तो उनको भी मजा आने लगा काम करने में और मुझे भी मजा आने लगा, और फिर इसके लिए आज का शूट कमाल का। थैंक यू थैंक यू।